तो नॉलेज को स्टोर करना कितना मुश्किल होता पीपल हैव हैड टू लर्न एवरीथिंग ओरली लोगों को हर चीज़ ओरली पढ़नी होती वो कहीं बुक्स देख के उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैंड डाउन थ्रू द जनरेशंस और इन बुक्स को आगे पास ऑन नहीं कर पाते अपनी जो भी नॉलेज थी उनके साथ ही चली जाती श्योरली बुक्स आर द बेस्ट एसेट्स बुक्स जो है बहुत ही अच्छे एसेट्स हैं कैन यू गेस द टाइप ऑफ बुक दैट है यहाँ पे कुछ बुक्स के नेम दिए गए मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपको क्या करना है बुक का नाम बताना है अ बुक और अ मैगजीन दैट इज पब्लिश वंस अ ईयर ऐसी बुक या मैगजीन जिसे साल में एक बार ही पब्लिश किया जाता है अंडर द सेम टाइटल बट न्यू कंटेंट एक ही नाम रहता लेकिन कंटेंट चेंज रहता है तो ऐसे बुक्स को मैगजी मैगजीन को, को हम कहते हैं एनवल नेक्स्ट अ बुक विथ अट ऑफ पीपल्स नेम ऐसे बुक जिसमें लोगों के नाम हैं एड्रेस भी हैं बिजनेस कंपनीज एक्सेट्रा तो इन अ डिस्ट्रिक्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन से लोग उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ हैं ऐसी बुक को हम क्या कहते हैं ऐसी बुक को हम कहते हैं डायरेक्टरी आई होप चिल्ड्रेन दिस इज क्लियर टी यू नाउ चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू दर्ड वन अस्टिंग

और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज ऐसी बुक या सेट ऑफ बुक्स जो इंफॉर्मेशन देती है हर एक ब्रांच के बारे में नॉलेज के अरेज इन एन एल्फोबेटिकल ऑर्डर और इससे भी एल्फोबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है सो इट इज एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया नाउ फिफ्थ वन अ बुक इन विच अ कंपनीज अकाउंट्स कंपनी अकाउंट ऐसी बुक जिसमें कंपनी के अकाउंट मेंटेन किया जाते हैं तो ये ऐसी बुक को हम कहते हैं नेक्स्ट अ बुक इन विच अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग बाय डिफरेंट राइटर्स आप पब्लिश टुगेदर अलग अलग राइटर्स की राइटिंग इस बुक में पब्लिश की जाती है so what is the name find it and write it here seventh one a book containing a record of the daily attendance of children at school बच्चों के स्कूल में अटेंडेंस ली जाती इसमें what is the name write it a very thin book with a paper cover that gives information about something ये बहुत ही पतली बुक है जिसमें पेपर कवर होता है और ये इनफॉरमेशन देती है किसी चीज के बारे में क्या है ये write it ram the need help box नाइन्थ वन अ बुक इन विच थिंग स्टैम्प आर कैन बी कैप ऐसी बुक जिसमें फोटोग्राफ्स और स्टैम्स को रखा जा सकता है एंड टेंथ वन अ बुक विच हैज सेपरेट स्पेस फॉर एवरी ईच डे ऑफ द ईयर और टू रिकॉर्ड डेली इवेंट्स ऐसी बुक जिसमें जो है अलग स्पेस होती है डेज uh, के अकॉर्डिंग डेली इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए थाट्स को रिकॉर्ड करने के लिए तो ऐसे बुक को हम क्या कहते हैं सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्राम सिक्स टू टेंथ फ्राम द नीड हेल्प बॉक्स